हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी ग्रेड 2000 से। क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क एट द सेंटर इज गिवन। देखो, ये डिस्क है और एक ऐसी एक्सिस जो कि उसके सेंटर से जा रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दे रखा है 1/2 mr². आफ्टर इट, इफ द डिस्क इज रोलिंग ऑन इट्स एज विदाउट स्लिपिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो डिस्क है इसको रोल करवा रहे हैं, मतलब ये आगे जा रही है। द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का रेशियो बताओ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन से। तो देखो, रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। और ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाफ तो हट ही जाएगा यहाँ से। दूसरा, आपको ये भी पता होगा बी इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू में आर। ठीक है, आई कितना है हमारे पास, 1/2 mr², तो पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। देखो, आई एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए, और वी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर, मतलब वी इक्वल टू कितना, ओमेगा आर। तो मैंने वी को चेंज कर लिया ओमेगा के टर्म में, अब इससे ये कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा आई अपॉन में एम आर स्क्वायर। तो आप एक चीज देखो, यहाँ से आई अपॉन एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आई को यहीं रहने दो, एम आर स्क्वायर को यहाँ ले आओ नीचे। ठीक है, तो आई एम आर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 1/2, वही अपना आंसर हो जाएगा 1/2। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। दोबारा बताता हूँ, अभी सुनो, हमें क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन से रेशियो निकालना था। रोटेशन का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर। ठीक है ना, हमें दे रखा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ एम आर स्क्वायर है। तो पहले तो एक काम करो, हाफ से हाफ हटाओ, तो बचा आई ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आप वी को ओमेगा के टर्म में लिख लो, तो v कितना हो जाए, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा हटा दो, तो आई अपॉन में एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आई अपॉन एम आर स्क्वायर, यहाँ से देखो आई अपॉन एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, तो आंसर भी 1/2 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा।